गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास में मैथ्स में चैप्टर थर्ड है अपना एडिशन। एडिशन यानी प्लस करना, इसे हम और कहते हैं सम, योग। तो देखिए कैसे हम एडिशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर हम 3 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। इसका मतलब 3 में हमने कुछ भी प्लस नहीं करा तो ये 3 का 3 ही रहेगा। 0 + 5 में हमने 0 प्लस किया यानी कुछ भी नहीं किया तो 5 एज इट इज रहेगा। तो क्या कंसेप्ट है इसका कि किसी भी डिजिट में 0 ऐड करने पर आंसर वापस सेम डिजिट आती है यानी आंसर हमें वही मिलेगा। नेक्स्ट है 3 + 2 यानी 3 में हमें क्या करना है 2 ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 2 1 2। पहले हमने लाइन ड्रॉ की, नेक्स्ट क्या करेंगे इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 5 + 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 2 1 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या है लाइन ड्रॉ करनी है हमने। यहाँ पे सबकी लाइन ड्रॉ कर दी, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 7। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या है 3 1 2 3। सभी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा सिंगल डिजिट को ऐड करना। अब है यहाँ पे टू डिजिट यानी डबल डिजिट को कैसे ऐड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे हमारा जो एडिशन है वो पीछे से सॉल्व होगा। पहले हम पीछे वाली डिजिट को प्लस करेंगे, यहाँ पे है 6, ड्रॉ 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या है 1, ड्रॉ 1 लाइन। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 7। अब यहाँ पे है 3 + 2 तो सबसे पहले हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे है 2 1 2। अब सबको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से डबल डिजिट को सॉल्व करते हैं। पहले हम पीछे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे है 1 1 लाइन ड्रॉ कीजिए, ये भी है 1, काउंट कीजिए ले 1 2। नेक्स्ट क्या है 7 तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 7 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे है 2 1 2। फिर सारी लाइंस को क्या करते हैं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, हम लिखेंगे यहाँ पे 9 और लिखने के बाद में आप ये सारी लाइनों को रफ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 51 में 32 ऐड करना है। यहाँ पे है 1, ड्रॉ 1, 2 है ड्रॉ 2 लाइंस 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। फिर है यहाँ पे 5, ड्रॉ 5 लाइंस 1 2 3 4 5 यहाँ पे है 3 1 2 3। काउंट कीजिए सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और इन सभी को रफ कर दें। नेक्स्ट 63 + 25 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे है 5 1 2 3 4 5।
ड्रॉ सिक्स लाइन 1 2 3 4 5 6 और ये 2 1 2 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर 88। नेक्स्ट 35 प्लस 26 ड्रॉ 5 लाइंस 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 है ड्रॉ 6 लाइंस 1 2 3 4 5 6 काउंट कीजिए सभी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो देखिए जब हमारे आंसर में या सम में 9 से बड़ी डिजिट आए ग्रेटर देन 9 होगी जैसे 10 11 12 यानी 2 डिजिट में जब आंसर आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैरी कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड होती है। अभी हमारा आंसर है 11 वी हैव 2 डिजिट्स हियर 1 1 11 इसमें जो पीछे की डिजिट है 1 इसे तो हम आंसर में लिखेंगे पीछे वाली डिजिट को आंसर में लिखते हैं और जो आगे वाली डिजिट होती है ये कैरी अप होती है इसकी कैरी लगाई जाती है। तो जब आप नेक्स्ट यहाँ पे काउंट करोगे इसको भी काउंट करना होगा ये 1 है 1 फिर यहाँ पे क्या है 3 1 2 3 लाइन ड्रॉ की हमने फिर है 2 1 2 सबको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है जब हमारे पास 9 से बड़ी डिजिट होगी जैसे 10 11 12 25 35 तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 7 प्लस 6 ड्रॉ 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 नाउ काउंट बोथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ये जो 3 है मैंने बताया था इसमें भी पीछे वाली डिजिट को तो हम आंसर में लिखेंगे यानी पीछे की डिजिट में 3 है तो ये आंसर में आएगा और जो आगे का 1 है ये यहाँ पे फॉरवर्ड होगा। अब सबको काउंट कीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करिए ये है 4 1 2 3 4 ये क्या है 3 1 2 3 काउंट कीजिए सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 आएगा और हम यहाँ से जो भी हमने लाइन ड्रॉ की थी उसे हम रफ कर देंगे। हम अभी पास में इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम ना हो और आपकी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे है 2 एंड 9 1 2 फिर 9 लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का 1 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे वाले डिजिट को ही ऊपर लिखते हैं। अब ये है 1 फिर ये 4 है 1 2 3 4 उसके बाद 3 है 1 2 3 ठीक है ना। अब सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। नेक्स्ट 3 एंड 7 1 2 3 फिर ये 7 है 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का 0 ये कैरी 1 इधर हमने फॉरवर्ड कर दी तो यहाँ पे 1 ये 5 1 2 3 4 5 फिर ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करो सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो यहाँ पे 15 लिखेंगे आगे कुछ है ही नहीं हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आगे और डिजिट होती तो ये कैरी और आगे जाती लास्ट में हमारे पास कुछ था ही नहीं कैरी लगाने के लिए तो हमने 15 लिखा। इस तरह से ये डबल डिजिट के एडिशन होते हैं। Stay home, stay safe. Thank you.